सनातन धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन से ही दीपावली का उत्सव शुरू होता है। इस दिन कुछ खास चीज़ों को खरीद कर घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। ज़्यादातर लोग धनतेरस के दिन झाड़ू, स्टील के बर्तन, सोना चांदी जैसे आभूषण की खरीदारी भी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 19 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धार्मिक मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी की भी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन धन्वंतरी का जन्म भी हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उस दौरान उनके हाथ में अमृत से भरा कलश भी था। यही वजह है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इतना ही नहीं, धनतेरस पर घर की सुख समृद्धि के लिए ज्योतिष गणना द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में उस खास उपाय को भी बताते हैं। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्किराम बताते हैं कि धनतेरस का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग बर्तन, नया वाहन, प्रॉपर्टी, सोना और चांदी जैसे आभूषण की खरीदारी भी करते हैं। हालांकि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट भी हुए थे। उनके हाथ में अमृत का कलश था, जिसकी वजह से इस दिन लोग बर्तन की खरीदारी भी करते हैं। इस दिन धनिया खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। धनिया से जुड़े कुछ खास उपाय करने से घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर की बरकत भी होती है। क्या वजह? जी देखिए, धनतेरस जो है धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव माना जाता है। इस दिन भगवान अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे और ये मान्यता है कि धन या बर्तन लेने से घर में धन की बरकत होती है। माँ लक्ष्मी मतलब साल भर कृपा करती है व्यक्तियों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। अच्छा, धनिया का क्या कनेक्शन? धनिया देखिए एक तरीके से शुभ मानी जाती है, चूँकि हल्दी है, धनिया, अक्षत, ये सब शुभ माने जाते हैं। तो धनतेरस के दिन शुभ चीज़ों को खरीदने का विशेष महत्व हो जाता है। कुछ लोग कौड़ी खरीदते हैं, कौड़ी भी विशेष माता जी को प्रिय है, लक्ष्मी जी को अतिशय प्रिय है धनिया वगैरह ये सब, इसलिए लोग इसकी खरीदारी करते हैं। कुछ जिनके पास भगवान की कृपा है तो वो सोना चांदी का खरीदारी करते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर साल भर तक बरसती रहती है।